हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि IIT मद्रास से आउट की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या देने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने IIT मद्रास की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही करियर सेक्शन में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। व्यू द करंट ओपनिंग्स में क्लिक करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देख लेते हैं क्या डिटेल्स इसमें दी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर IIT M/R 1/2024 है एंड परमानेंट पोजीशंस की वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट देख लेते हैं। ग्रुप ए में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की वन वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 2 है, स्पोर्ट्स ऑफिसर में 1 वैकेंसी दी गई है। जबकि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए लेवल 12 की सैलरी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्पोर्ट्स ऑफिसर में लेवल 10 की सैलरी दी गई है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर में 50 ईयर्स मांगा गया है जबकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्पोर्ट्स ऑफिसर में 45 ईयर की एज मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से फॉलो होगा। ग्रुप बी में यहाँ पे जूनियर सुपरिटेंडेंट में 9 वैकेंसी है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में 4 है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में 3 वैकेंसी दी गई है। तीनों में लेवल 6 की सैलरी है, 32 ईयर की एज दी गई है। ग्रुप सी की बात कर लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट में 30 वैकेंसी है, कुक में 2 वैकेंसी है, ड्राइवर में भी 2 वैकेंसी है, लेवल 3 की सैलरी इन सभी में है। जबकि सिक्योरिटी गार्ड में 10 वैकेंसी, लेवल 1 की सैलरी यहां पर दी गई है एंड सभी में 27 ईयर की एज मांगी गई है। 12 मार्च तक आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं अदर डिटेल्स इसमें क्या दी गई हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल OBC WF के लिए 500 की है, जबकि SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है। एंड यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एंड चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री कम से कम 55% मार्क्स के साथ में इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है, साथ ही 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें से 5 ईयर का एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी कैपेसिटी एट पे मैट्रिक्स लेवल 11 पे मांगा गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल में यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन एरिया ऑफ मैनेजमेंट फिनेंस एंड अकाउंट्स में मांगा गया है। स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए BPED या MA स्पोर्ट्स साइंस में मांगा गया है, साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर सुपरिटेंडेंट में यहाँ पर ग्रेजुएशन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज या साइंस में मांगा गया है, साथ ही आपके पास कॉमर्स होना एक सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है कम से कम 60% मार्क्स के साथ में एंड 6 ईयर का एक्सपीरियंस रिलेवेंट एरिया में मांगा गया है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर BPED या इक्विवेलेंट डिग्री 60% मार्क्स के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन के साथ में ग्रेजुएशन यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। कुक के लिए BSc होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी के साथ में होना चाहिए या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी में तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए 10+2 के साथ में लाइट एंड हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए SSLC के साथ में फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स यहाँ पर मांगा गया है, साथ ही डिजर्बल में यहाँ NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक दिया गया है जो कि 12 फरवरी 2024 से एक्टिवेट हो जाएगा। तो 12 फरवरी 2024 से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं एंड लास्ट डेट आपके यहाँ पे मार्च में दी गई है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट